कौन है जस्टिस पुष्पा गिनेडीवाल जिनकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट को है एतराज। पॉक्सो पर आपत्तिजनक फैसला, कैसे पड़ा बॉम्बे हाई कोर्ट की जज के लिए भारी। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस गिनेडीवाल के विवादित फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। जस्टिस पुष्पा गिनेडीवाल की नौकरी पर चल सकती है कॉलेजियम सिस्टम की तलवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। बीते दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ फैसले काफी चर्चा में रहे थे, जिनमें बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस पुष्पा गिनेडीवाल का नाम काफी सुर्खियों में रहा था। इनके द्वारा एक के बाद एक लगातार लिए गए कुछ फैसले काफी विवादित रहे, जिनमें से अधिकतर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पॉक्सो कहते हैं, उसे लेकर था। लेकिन अब इनके ये फैसले ही इनकी नौकरी पर खतरे की तलवार बनकर लटक रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस पुष्पा गिनेडीवाल की परमानेंट जज बनने की पुष्टि पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट के ऐसा करने के पीछे का कारण भी साफ है। बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति गिनेडीवाल ने 19 जनवरी को एक सत्र न्यायालय के आदेश को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के तहत 39 साल के एक व्यक्ति को बरी कर दिया था। व्यक्ति पर 12 साल की बच्ची का यौन शोषण करने का आरोप लगा था। अदालत ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया था कि उनके बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं बना था। इस फैसले के बाद जस्टिस गिनेडीवाल की काफी निंदा भी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने लगातार ऐसे कई और फैसले दिए जिसका अब परिणाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस पुष्पा गिनेडीवाल का अधिकांश जज के रूप में कार्यकाल 12 फरवरी को समाप्त होने वाला है और हमारे देश के संवैधानिक प्रावधानों के तहत एक अतिरिक्त न्यायाधीश को अधिकतम 2 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, जबकि स्थायी न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा किसी अस्थायी या अतिरिक्त न्यायाधीश को कॉलेजियम की सिफारिश के बाद ही स्थायी किया जा सकता है। ऐसे में अगर उनके कार्यकाल में विस्तार का फैसला नहीं लिया जाता तो उनकी जज की कुर्सी जाने का खतरा है। अब यहाँ आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को इस पर फैसला लेना है और उनके बीते फैसलों को और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए बयानों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि जस्टिस पुष्पा गिनेडीवाल की नौकरी खतरे में आ सकती है। यहाँ आपको ये जानकारी भी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस के तौर पर नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनका स्थान खाली है। इसी तरह जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद से इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। देश की सुप्रीम कोर्ट मौजूदा समय में 30 जजों के साथ काम कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए स्वीकृति 34 पदों की है। इसी तरह देश के हाई कोर्ट्स के लिए भी करीब 47 सिफारिशें कॉलेजियम के पास लंबित हैं। 1 जनवरी 2021 तक हाई कोर्ट में 411 पद रिक्त पड़े हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 64 इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। अब इन सब में आपको शायद ये समझ ना आए कि जिस कॉलेजियम की बात यहाँ हम कर रहे हैं वो आखिर होता क्या है और वो काम कैसे करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कॉलेजियम है क्या। तो आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ही अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। ऐसे ही केंद्र सरकार भी अपने कुछ सुझाव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजती है, जिनकी कॉलेजियम जांच करता है। आप सिफारिश शब्द से शायद सोचे कि ये सिर्फ सलाह होगी और आगे सरकार इसे माने या ना माने, तो ऐसा नहीं है। इस पैनल की ओर से दूसरी बार भेजी गई सिफारिश को सरकार को मानना पड़ता है और यहाँ ये जानकर शायद आपको हैरानी हो कि कॉलेजियम सिस्टम का भारतीय संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये व्यवस्था 28 अक्टूबर 1998 के बाद अस्तित्व में आई, जब 3 जजों की नियुक्ति के मामले में सामने आए एक फैसले के बाद इसे प्रभाव में लाया गया और तब से हमारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इसी सिस्टम का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर भी काफी विवाद सामने आते रहे हैं।
लेकिन उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही अन्य खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।